अभी हम लोग हैं यहाँ पर लंगर हाउस रिंग रोड के पास, प्ले नंबर 104 के पास। अभी हमने यहाँ पे राउंड मारा है, देखा है कि मतलब पुलिस वाले अपना काम बराबर कर रहे हैं या नहीं। माशाल्लाह से अपने मतलब पूरी आवाम की भी मतलब कोऑपरेटिंग देखे हम लोग, पुलिस वाले भी देख रहे हैं अच्छे, अपनी बराबर ड्यूटी कर रहे हैं और पब्लिक भी उन्हें बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रही है। तो दोस्तों अभी हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। अभी हम देखते हैं दूसरे एरिया में भी क्या हाल चाल है, पब्लिक का आप रिव्यू है, जब के हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सिद्रा हुसैन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ के ज़रिए डे वन से नाइट कर्फ्यू के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों का हाल बताया जा रहा है। कल रात भी नाइट कर्फ्यू के सातवें दिन एशियन टीवी न्यूज़ के एंकर जीनत और हमारे सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद ने कई इलाकों जैसे राजेंद्र नगर, फिश बिल्डिंग, रिंग रोड, लंगर हाउस, टोली चौकी, मास ऑफ टैंक, फ्लाईओवर ब्रिज, विजयनगर कॉलोनी, नामपल्ली यूसुफैन दरगाह, एक मीनार मस्जिद, मौजम जाही मार्केट, याकूतपुरा और दीगर कई इलाकों का दौरा किया। तमाम इलाकों में पुलिस की जानिब से काफ़ी अच्छे बंदोबस्त देखने को मिले और नाइट कर्फ्यू के दौरान तमाम दुकानात, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को वक्त के साथ बंद पाया गया। इस जायजे के दौरान पुलिस और आवाम के दरमियान एक बेहतरीन तालमेल भी देखा गया। इस दौरान सड़कों पर घूमने वाले तमाम गाड़ियों की तलाशी भी ली गई। बिना ज़रूरत गश्त करने वालों को रोककर इनसे घूमने फिरने की वजह भी तलब की गई। टोली चौकी चौराहे पर सब इंस्पेक्टर किशन रेड्डी से भी वहां के नाइट कर्फ्यू के दौरान माहौल जानने की कोशिश की गई। किशन रेड्डी ने एशियन टीवी न्यूज़ के ज़रिए तमाम आवाम को पैगाम पहुंचाया कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें और बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, और कहा कि एक आदमी के घर से बाहर निकलने पर घर के तमाम अफराद, बच्चे, बूढ़े सभी इस मोहलिक वबा से मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा एशियन टीवी न्यूज़ की सारी टीम की जानिब से हमारे सभी व्यूवर्स से दर्दमंदाना अपील की जाती है कि जितना मुमकिन हो सके घर पर रहे, मास्क, सैनिटाइज़र और सामाजिक फासले का ख़ास ख्याल रखते हुए इस मोहलिक वबा को अपने घर की दहलीज तक आने से रोके। स्टे होम एंड स्टे सेफ। पेश है हमारे एंकर जीनत के हमरा हमारे सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ख़ास रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एशियन टीवी चैनल की तरफ से सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद का। दोस्तों अभी हम लोग हैं यहाँ पर लंगर हाउस रिंग रोड के पास, प्ले नंबर 104 के पास। अभी हमने यहाँ पे राउंड मारा है, देखा है कि मतलब पुलिस वाले अपना काम बराबर कर रहे हैं या नहीं। माशाल्लाह से अपने मतलब पूरी आवाम की भी मतलब कोऑपरेटिंग देखे हम लोग, पुलिस वाले भी देख रहे हैं अच्छे, अपनी बराबर ड्यूटी कर रहे हैं और पब्लिक भी उन्हें बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रही है। तो दोस्तों अभी हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। अभी हम देखते हैं दूसरे एरिया में भी क्या हाल चाल है, पब्लिक का आप रिव्यू है, जब के हम देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए आप, इसी तरह से हम आपको हमारे हर एक एरिया की न्यूज़ देते रहेंगे। चलिए अभी हम यहाँ पर है टोली चौकी चौरस्ते के पास, हम यहाँ के किशन सर से बात करेंगे, आप सभी को बताएंगे कि यहाँ का क्या माहौल है, अभी यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, मतलब पब्लिक कोऑपरेट कर रही है यहाँ की या नहीं। अभी हम किशन सर से बात करेंगे, आपको जानकारी मिलती रहेगी। सेवन डे है कर्फ्यू लग के, आज सेवन डे बोले तो कंटिन्यू जो फर्स्ट डे से कर्फ्यू चल रही है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। चलिए देखते हैं, हम किशन सर से बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, यहाँ की पब्लिक आपको कोऑपरेट कर रही है? पब्लिक कोऑपरेट कर रहे अच्छे, और थोड़ा थोड़ा आदमी मास्क नहीं लगा दे अब तक, सो वो वाला भी करे तो अच्छा रहते, तो बहुत बेकार एंड बहुत परेशान है के वायरस है वो तो ऑल सभी आदमी सैनिटाइज़र एंड मास्क पक्का यूज़ करने के हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरा आदमी को। आप यहाँ पे मतलब फर्स्ट डे से कंटिन्यू आप ड्यूटी अपनी कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट डे से अब तक आपको मतलब कुछ रिजल्ट आया समझ में? आया फर्स्ट डे की, ये रोज की
చాలా మంది 99% మాస్క్లనే కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా కొందరు ఒకరిద్దరు అక్కడక్కడ, సో కొందరు వాడట్లేదు. సో వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్పేది ఒకటే ఏంటంటే, ఈ మాస్క్ అనేది కంపల్సరీ వాడాలి. బయటకు వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మాస్క్ యూజ్ చేయాలి. తర్వాత ఇంట్లోకి వెళ్ళి గర్మే చోటా చోటా వచ్చేవి రైతే హమే బార్ ఘూమ్నేకి గర్కు గయతో ఓ యాసే వైరస్ గర్కు లే ఇంటికి తీసుకుపోయినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి అందరు కంపల్సరిగా మాస్క్ యూజ్ చేసినట్టయితే మనము కరోనా నుంచి కొంచెం సేఫ్టీగా ఉండొచ్చు అనేసి నేను తెలియజేస్తున్నా. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे. फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर मौजम जमाल किट कराची बेकरी के पास है, तो हम आपको यहाँ की भी न्यूज़ देंगे. यहाँ पर भी हमने देखा है कि सभी पुलिस वाले अपनी ड्यूटी बराबर बरखुददार निभा रहे हैं. जी, सभी एरियों की हम आपको जानकारी इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको भी ये पता चले कि हमारे मतलब पुलिस हमें कितना कोऑपरेट कर रही है और पुलिस भी मतलब अपनी ड्यूटी कितने अच्छे से निभा रही है. आप सभी लोग हमें इसी तरह कोऑपरेट करते रहिए, पब्लिक कोऑपरेट कर रही है, आप सभी भी इसी तरह कोऑपरेट करते रहिए. इंशाल्लाह ये बीमारी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी. करोना वायरस जो फैला हुआ है वो वायरस को ख़त्म करने का बस यही एक तरीका रहे. बस आप सभी लोग घर में रहिए, सेफ रहिए और सैनिटाइज यूज़ कीजिए. और जहाँ भी आप बाहर निकल रहे हो, जब भी आप मास्क लगा के निकलिए. अपने घर को सेफ रखिए और अपने बच्चों को भी सेफ रखिए. तो चलिए अभी हम हमारे सीनियर रिपोर्टर के शेख अहमद के साथ अभी हम लेते हैं अलविदा. हैदराबाद का पहला 99 स्टोर और हिंदुस्तान का पहला 199 कस्टम स्टोर लॉन्च करने के बाद ईजी एक्सप्रेस के मालिक जनाब रमीज अली खान आपके लिए ले आए हैं ईजी डिस्काउंट कार्ड. एक ऐसा डिस्काउंट कार्ड जिसे हमसे जुड़े हुए शॉप्स पर दिखाने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट. जो शॉप्स इजी डिस्काउंट कार्ड से जुड़ना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को परमानेंट करवाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. याद रहे, शुरुआती 100 शॉप्स को रजिस्ट्रेशन फ्री है. मज़ीद तफसीलात के लिए आप पोडियम मॉल टोली चौकी या हमारा सीता क्लिनिक बेगम बाजार के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं. हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश. खुशी आपकी, जिम्मेदारी हमारी. मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में. घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दुल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दुल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ. मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें.